So hello everyone and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. आज की पॉलिटिकल सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. यस, मान लीजिए आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और आप जब वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो पहले से आप ये प्लान बनाएंगे कि आपको उस इवेंट में किस किस चीज की जरूरत हो सकती है, सो दैट बिफोर टाइम आप उन चीजों का अरेंजमेंट पहले से कर सके. इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, वो सारे लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, या फिर हम बोले कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पहले से उन्होंने ये असेस कर लिया कि भैया आगे जाकर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और उस अकॉर्डिंगली पहले से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अरेंजमेंट कर दिया. और उन्होंने ये प्रोविजन भी बना दिया कि भैया हम ये अरेंज तो कर रहे हैं और आगे जाकर हो सकता है कि किसी और चीज की भी जरूरत हो, तो जो हमने अरेंज किया उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो और कुछ नई चीज भी ला सकते हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के टाइम पे उनको लगा कि भैया गवर्नमेंट तो काम करेगी, इसके अलावा हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनानी चाहिए, कुछ अथॉरिटीज बनानी चाहिए जिनको स्पेसिफिकली कुछ फंक्शंस जो हैं असाइन कर दिए जाएंगे, और वो फंक्शंस विद टाइम चेंज भी करे जा सकते हैं. कुछ बॉडीज जिनकी अब हमें जरूरत नहीं रहेगी बाद में, तो उन बॉडीज को खत्म भी किया जा सकता है, और जिन नई बॉडीज की जरूरत होगी वो नई बॉडीज भी लाई जा सकती है. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन को. द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री. तो इलेक्शन कमीशन एक बना दिया गया जो कि रेस्पॉन्सिबल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को लगा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट ना आ जाए जो कि डिक्टेटरशिप के दौरान अगर एक बार पार में आ गई तो उसको निकालना ही मुश्किल हो जाए. अपनी पार के इन्फ्लुएंस में वो अगले इलेक्शंस भी जीतती जाए. तो एक इलेक्शन कमीशन अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है और जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि भैया गवर्नमेंट इन पार जो मर्जी हो, पर जो अगले इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट, फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट. इन सबका सुपरविजन जो है इलेक्शन कमीशन करेगी, कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगी, डायरेक्शन के रिलेटेड जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगी. कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग प्रोविजन इन रिलेशन टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि भैया इसकी कंपोजिशन भी कैसी होगी. द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. एक इलेक्शन कमिश्नर तो सबसे टॉप पे होगा और प्रेसिडेंट साहब बताएंगे कि और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स इनके अलावा होंगे. जो सबसे पहला सबसे ऊपर का इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे. द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट. तो इनको अपॉइंट भी भैया कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट. When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission. तो जब chief election commissioner अगर अकेला है तो भैया chairman होने का सवाल ही नहीं. पर अगर हमने chief election commissioner के अलावा other election कितने भी number से other election commissioner appoint करे, तो जो chief election commissioner था
वो चेयरमैन बन जाएगा उस इलेक्शन कमीशन का। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर सच रीजनल कमिश्नर एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। तो भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, अदर इलेक्शन कमिश्नर बनाए, अब रीजनल इलेक्शन कमिश्नर उनके नीचे हो जाएंगे। The conditions of service and tenure of office of the election commissioners and the regional election commissioners shall be as such president may by rule specify. तो president by rule बताएंगे कि इनका service terms regulations क्या होंगे। अब CEC और EC chief election commissioner और other election commissioner के बारे में देखें। Today the election commission has been functioning as a multi-member body consisting of three election commissioners. तो आज की डेट में हमारे पास तीन इलेक्शन कमिश्नर हैं। The chief election commissioner and the two other election commissioners have equal powers and receive equal salary, allowances and the other perquisites which are similar to those of a judge of Supreme Court. तो भैया इन सबकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर है, इनकी पास भी बराबर है, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर टू सिलेक्शन कमिश्नर्स, इट्स इलेक्शन कमिश्नर्स, अदर टू इलेक्शन कमिश्नर्स, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजोरिटी। तो भैया मेजोरिटी रूल जो है वो प्रिवेल करेगा, हाइएस्ट वोट जो होंगी जिस साइड में वो प्रिवेल करेंगे। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ सिक्स इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स, व्हिच एवर इज अर्ली एंड कैन रिजाइन एट एनी टाइम और कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। तो भैया 6 साल का इनका टर्म रहेगा, ठीक, या फिर जब तक इनकी एज 65 इयर्स नहीं हो जाती तब तक ये पार में रहेंगे। ये रिजाइन भी कर सकते हैं और इनको रिमूव भी करा जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स और फंक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो पावर्स और फंक्शंस को आप डिफरेंट हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रहता है। द कमीशन हैज बीन गिवन पावर्स फॉर डिटरमिनिंग द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो टेरिटोरियल एरियाज जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वो डिटरमिन करेंगे। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रूल्स, इलेक्टोरल रूल्स वो वाली लिस्ट होती हैं जिसमें एक एरिया के नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो लिस्टेड होते हैं। नोटिफाइंग द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस तरीके से होंगे, कब कहाँ इलेक्शन होगा वो ये नोटिफाई करेंगे। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू द पार्टी, डिटरमिन द कोड ऑफ कंडक्ट इन द टाइम्स ऑफ इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज को डिटरमिन करना क्या भैया कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, ये नहीं कि आप और मैं मिलके आज एक पॉलिटिकल पार्टी बना दे और बन गए, नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना, तो ये इलेक्शन कमीशन करेगी। हमारा सिंबल क्या होगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी हम सिंबल उठा लें, तो वो सिंबल जो है वो भी इलेक्शन कमीशन जो है अलॉट करेगी। हम अप्लाई करेंगे कि भैया हमें ये सिंबल चाहिए और इलेक्शन कमीशन हमें वो अलॉट करेगी। एडवाइजरी पार्ट्स में देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली। तो हम इलेक्शन कमीशन के तौर पे एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को कि असेंबली के या पार्लियामेंट के जो जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर द प्रेजेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी जब एक्सटेंड होती है तब किसी स्टेट में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं कराए जा सकते, इसके बारे में प्रेजिडेंट को एडवाइस करना। इट एडवाइजेज द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स रिलेटेड टू पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स बिटवीन द कैंडिडेट्स एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और उसके ऊपर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करेगा इलेक्शन कमीशन। अब फंक्शन आता है क्वासी जुडिशियल का। क्वासी जुडिशियल फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो प्योरली जुडिशियल नहीं है, हाँ कुछ हद तक वो जुडिशियल पार्ट्स दी जाती हैं, उसको हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं। अब जुडिशियल प्योरली जुडिशियल फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे कोर्ट्स
परफॉर्म करेंगे. इट मे बी अ हाई कोर्ट, इट मे बी सुप्रीम कोर्ट और इट मे बी सुबॉर्डिनेट कोर्ट. वो प्योरली जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर उन फंक्शंस में से अगर थोड़ा सा भी हिस्सा अगर किसी और बॉडी को दे दिया जाता है तो उसको हम क्वासी जुडिशियल फंक्शन बोलते हैं. तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन इलेक्शन कमीशन के इस तरीके से हैं. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम. तो भैया इलेक्शन सिंबल जो है, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है या पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसके बारे में जो डिस्प्यूट्स है वो भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा. अब बारी आती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की. द इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस टू पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट्स. तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243K 243ZA. तो ये जो डील करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से, सिमिलरली पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के लिए उनकी जिम्मेदारी रहेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन पे. द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर बात करें, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ 324 रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इन अदर वर्ड्स, द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंजॉय द सेम स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो एक हमारे पास केस आया था किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डायरेक्ट किया, द स्टेट गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन जस्ट लाइक दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली दोनों को सेम तराजू में तोल दिया, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में स्टेट इलेक्शन कमीशन की पावर्स आर सेम एज इन द केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और फॉर द स्टेट असेंबलीज. अब चैलेंजेस क्या हैं इसके फंक्शनिंग में? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट इशू आता है कि भैया अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो कोई प्रोसेस या प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा अपॉइंटमेंट में, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं. बस ये बोला कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राइट? तो उसका डिटेल्ड प्रोसेस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अब इनको भैया रिमूव भी किया जा सकता है, तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो नहीं है. पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, अब इसके ऊपर एम्बिग्यूटी है कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई रुकावट है ही नहीं. एक इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर हो गया तो उसको दोबारा अपॉइंटमेंट करी जा सकती है. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको नहीं दी गई, राइट? तो मतलब ये अपना जो पैसा खर्च करेंगे उसके लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनकी नहीं. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पास, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको अलग पास दे दी और कुछ लेजिस्लेशन ने इनको अलग पास दे दी. अब उनमें टसल है कि भैया हम कौन सी पावर एक्सरसाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशन की या आपने जो लेजिस्लेशन बना दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना दिया, उसके अंदर आपने हमारी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर्स दी पर आपने लेजिस्लेशन से वो पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. देयर इज अ टसल कि हम भैया अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें तो करें कैसे. इन एडिक्वेट कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, इतना बड़ा देश और हमारे पास तीन इलेक्शन कमिश्नर्स. अनेबल टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस, पिछले काफी टाइम से आप सुनते आ रहे हैं कि ईवीएम का इशू उठ जाता है,
इलेक्शंस के पूल में छेड़छाड़ या ये सारी चीजें, तो बेसिकली माल प्रैक्टिसेस को कर्व करने में इलेक्शन कमीशन, सुनने में आता है कि इलेक्शन कमीशन इन माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपहोल्डिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। तो एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि अपनी क्रेडिबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए, लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है ये सफल नहीं रह पा रहा है। अब क्या किया जा सकता है इसको, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? गिव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू थ्री इलेक्शन कमिश्नर एज अपॉइंटेड टू जस्ट सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके से अपॉइंट किया जाता है उसके तरीके से ही बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है प्रोविजंस बना दी जाए। इंस्टीट्यूशनलाइज द कन्वेंशन वेयर द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी ऑटोमेटिकली इलेक्टेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भैया जो सबसे बड़ा है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर एलिवेट कर दो, उसको बना दो। तो ये कन्वेंशन बना देना चाहिए। रिड्यूसिंग द इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंस, काफी चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर डिपार्टमेंट्स, ऑन द होम मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्रीज। तो इसकी डिपेंडेंस जो है वो कम करनी चाहिए। इट्स एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगी इससे। ऑल प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड हैव लीगल बैकिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट तो लगा देता है पर उसकी लीगल बैकिंग है ही नहीं, तो उसको लेजिस्लेशन के जरिए लीगल बैकिंग देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी गिवन मोर पावर, इसको ज्यादा पावर देनी चाहिए। द इलेक्शन कमीशन नीड्स टू बी गिवन द पार्ट ऑफ डी रजिस्टरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी को भैया आपने रजिस्टर करा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए, उसको डी रजिस्टर करने की पावर भी तो दो कि अगर वो पार्टी ढंग से नहीं काम कर रही, ढंग से नहीं चल रही, नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही, तो उसको भैया ब्लैकलिस्ट कर दे, उसको डी रजिस्टर कर दे। ये पावर है ही नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट इज योर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस इट हैज बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेन एलेबोरेट प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंस पास एंड फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी। तो कंपोजिशन इसकी क्या रहेगी यूपीएससी की, यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, एक चेयरमैन है और कुछ अदर मेंबर्स होंगे। द नंबर ऑफ अदर मेंबर्स इज लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि अदर मेंबर्स जो हैं वो कितने होंगे। जनरली द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन इज 9 to 11। जनरली चेयरमैन को डाल के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं 9 से 11। दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल या 65 साल की उम्र में। तो जो चीज पहले हो रही है तब तक ये मेंबर बने रहेंगे, उसके बाद इनको रिटायरमेंट मिलेगा। अब इनका रिमूवल कैसे होगा? द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कैसे कैसे रिमूव होंगे भैया? इफ ही इज जज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया, वाइल इन ऑफिस इफ ही इज एंगेज और पेड इन एनी एम्प्लॉयमेंट। यूपीएससी का मेंबर होते हुए, काम करते हुए वो कहीं और अपना एम्प्लॉयमेंट जो है कहीं और जॉब करने लग गए, राइट? इफ ही गेट्स अनफिट बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी, तो भैया सनकी हो गए हैं वो, या फिर उन बॉडी बॉडीली अनेबल हैं वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में, मिसबिहेवियर करते हैं वो। इन द लास्ट केस द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर, मिसबिहेवियर के केस में प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब यूपीएससी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं? द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। द कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वेरिड आफ्टर एन अपॉइंटमेंट। जब उनको अपॉइंटमेंट दे दी सरकार के मर्जी से, सरकार के मतलब से अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो भैया उनकी सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट्स
कम नहीं करे जा सकते जब जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है. द एंटायर एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट. तो भैया एक बार जो चेयरमैन बन गए तो सरकार के अधीन वो काम नहीं कर पाए. फंक्शंस एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज द सेंट्रल सर्विसेज एंड द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द यूटीज आर हेल्ड बाय द यूपीएससी. यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे इस पॉइंट. ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन इन सिविल कैपेसिटी आर डेल्ट विद बाय द यूपीएससी. डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो भी यूपीएससी लेगा. असिस्ट द स्टेट इन मैटर रिलेटिंग टू द ज्वाइंट रिक्रूटमेंट. ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के केस में असिस्ट करते हैं ये स्टेट्स को. अब आ जाइए एसपीएससी. यूपीएससी की तरह देयर इज एसपीएससी फॉर एवरी स्टेट. आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजंस ऑफ एसपीएससी. एसपीएससी इज कंसिडर्ड टू बी वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन द स्टेट. तो ये देखता है कि स्टेट में मेरिट सिस्टम किस तरीके से चलेगा. एसपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. चेयरमैन होंगे, अदर मेंबर होंगे जो कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे. द नंबर ऑफ द अदर मेंबर इज लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर. जो अदर मेंबर हैं ये गवर्नर डिसाइड करेंगे, जैसे उसमें प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे थे. वन हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी सच पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट फॉर द एटलीस्ट 10 साल. तो 10 साल सरकार के अधीन काम करने वाले आधे मेंबर्स इसमें जाएंगे. द टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 years और अंटिल द एज द अटेन द एज ऑफ 62 years. जो पहले अब इनका रिमूवल कैसे होगा. द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट. इनके अपॉइंटमेंट गवर्नर ने करीब पर रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट. दे कैन बी रिमूव्ड अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस. इंसॉल्वेंट हो गए, किसी दूसरी जगह पे जॉब करने लग गए, अनफिट हो गए इधर माइंड से या फिर बॉडी से, या फिर मिसबिहेवियर. और मिसबिहेवियर के केस में भी क्योंकि प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं तो भैया प्रेसिडेंट रेफर करेंगे मैटर सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग हो. इंडिपेंडेंस द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सेम देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वेरिड. एग्जैक्टली सेम. देयर एंटायर एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. हियर इज द डिफरेंस. इट इज नॉट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट. एग्जैक्टली सेम. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर स्टेट और स्टेट अदर देन द अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी और द चेयरमैन ऑफ अदर एसपीएससी. हियर इज द डिफरेंस कि उस मेंबर को या तो यूपीएससी चेयरमैन बना दिया जा सकता है या चेयरमैन ऑफ अदर स्टेट एसपीएससी बना दिया जाएगा. अब भैया इनके फंक्शन क्या है. ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे सर्विसेस ऑफ द स्टेट के लिए. ऑल डिसिप्लिनरी मैटर जो हैं उसके रिलेशन में सिविल कैपेसिटी डेल्ट विद द स्टेट आर डेल्ट बाय द एसपीएससी. एनी क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द सिविल सर्वेंट इज आल्सो लुक्ड बाय द एसपीएससी. तो लीगल एक्सपेंसेस जो होंगे सिविल सर्वेंट द्वारा वो एसपीएससी बेयर करें. अब एनसीएससीस नेशनल कमीशन फॉर एससीज. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनिशियली देयर यूज्ड टू बी अ सिंगल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज. हाउएवर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया उसने 2003 में बाइफर्केटेड इट इनटू टू सेपरेट बॉडीज. दस अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससीज केम टू इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004. कंपोजिशन में इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर. चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. अपने वारंट से स्टाम्प और साइन से प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे. प्रेसिडेंट डिटरमिन द टेन्योर एज वेल एज कंडीशंस ऑफ सर्विस. तो प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे इनका टेन्योर और कंडीशन ऑफ सर्विस. अब इनका फंक्शन क्या है. To investigate the matter regarding various safeguards provided to the SS.
एसटेस को वेरियस सेफगार्ड जो प्रोटेक्शंस दी है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द डिप्रिवेशन ऑफ द राइट्स ऑफ एसटेस। एसटेस के राइट्स जो इंफ्रिंज होते हैं उसकी कंप्लेंट्स इनके पास आएंगी, टू एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एसटेस। एसटेस की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइस करेंगे, to submit reports to the president regarding the working of various safeguards. President को बताएंगे कि कैसे कैसे safeguards जो हैं वो काम कर रहे हैं। To make recommendations to the union and the state government regarding the measures to be taken for effective implementation of the safeguard. तो union government और state government को ये बताएंगे कि इनका जो safeguards आपने बता दिए इसका effective implementation कैसे। To discharge other such functions to the as the president may specify. या फिर प्रेसिडेंट जो बोले वो फंक्शंस ये डिस्चार्ज करेंगे। ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ एसटेस द कमीशन इज कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो एसटेस के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो इस कमीशन को कंसल्ट किया जाएगा। अब एनसीएसटी, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2003 में इसको बाइफर्केट करा था, इनको अलग कर दिया था दो कमीशन को। दस अ सेपरेट कमीशन एसटीस के लिए 2004 में बन गई। इसका कंपोजिशन क्या होगा, एग्जैक्टली सेम है, कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन और तीन अदर मेंबर्स होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज वारंट, राइट। इनकी टर्म्स जो हैं, कंडीशंस जो हैं वो प्रेसिडेंट बताएंगे। फंक्शंस भी इनके एग्जैक्टली सेम रहेंगे, पर वो एसटी के केस के लिए थे और ये एसटीस के केस में। टू इन्वेस्टिगेट द मैटर रिगार्डिंग द सेफगार्ड्स ऑफ द provided to the STs, to inquire the complaints जो STs के rights अगर infringe हो रहे हैं उनकी complaints को ये सुनेंगे, to advise on the planning process for the socio-economic development of the STs, to submit reports to the president, या फिर कोई major policy बनानी हो state government या union government को तो वो इनको consult करेंगे STs के relation। अब NCBC, National Commission for Backward Classes, 102nd अमेंडमेंट जो आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें 2018 में एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। द एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 338B इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली एनसीबीसी वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फाउंड थ्रू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, पर 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। स्ट्रक्चर क्या है, चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, तीन अदर मेंबर होंगे, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट अंडर वारंट एंड सील अंडर हिज हैंड। इनका टेन्योर और कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है ये भी डिटरमिन करेंगे प्रेसिडेंट। इनके फंक्शंस क्या हैं, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर रिगार्डिंग वेरियस सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो मेजर्स हम ले रहे हैं उसमें इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना इनके जो कंप्लेंट्स आएंगी उसमें, टू एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एडवाइज करना प्लानिंग प्रोसेस में, रिपोर्ट्स सबमिट करना प्रेसिडेंट को इनके बारे में, इनके काम के बारे में। एनसीबीसी इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस की जो ग्रीवेंसेस हैं उसमें उसके रिलेशन में एनसीबीसी जो है, ये कमीशन जो है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ये देखेगी, उनके ग्रीवेंसेस सुनेगी। अब आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑफिस वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये इसका फॉर्मेशन जो है वो रिकमेंड करा था। दिस वॉज फॉर्म्ड बाई द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, विच इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 350B ऑफ पार्ट 17। द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट। द कमिश्नर हैज इट्स हेडक्वार्टर एट अलाहाबाद विद 3 रीजनल ऑफिस एट बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता। तो हेडक्वार्टर जो है वो अलाहाबाद में है, बेंगलुरु चेन्नई और कोलकाता में इनके अदर रीजनल ऑफिस। द कमिश्नर इज असिस्टेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर जो है डिप्टी कमिश्नर
और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हेडक्वार्टर्स में रहेंगे, ये उनको असिस्ट करेंगे। द कमिश्नर फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड सबमिट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। तो रिपोर्ट जो है इस चैनल के थ्रू जाए। अब रोल क्या है कमिश्नर? All the grievances related to the various safeguards provided to the linguistic minorities are looked into by the commissioner. The commissioner strives the providing equal opportunities to the linguistic minorities, कि सबको बराबर का अधिकार मिले, linguistic minorities को भी मिले. He works for the effective implementation of the various safeguards. अब हमारा आता है GST Council. GST Council is formed under Article 279A of the Constitution. Its function is to make recommendations to center and state governments regarding GST के बारे में recommendations देगी center को भी और state को भी. It has representation from both center and state and hence is a federal body. तो इनके representation center और state दोनों से है. GST Council consists of the following members. क्या क्या रहेंगे? Union Finance Minister जो है वो chairman बनेंगे. Union Minister of the state in charge of revenue or finance is a member. तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस ऑफ और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट मेंबर रहेंगे. तो स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन बराबर है. द डिसीजन ऑफ द काउंसिल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल आर टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स कास्ट बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. 3/4 वोट से मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे. The weightage of the vote of the central government is 1/3 of the total votes and the weightage of the votes of the state government is 2/3 of the all the votes cast. तो वेटेज निकाली जाएगी हर एक वोट की 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के केस में. इट एम्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अब हमारे पास आया फाइनेंस कमीशन. ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है. Formation of Finance Commission is provided by the Constitution under Article 280. It is constituted every fifth year or at such earlier time as the President of India considers necessary. Right? Composition आएगी consists of a chairman and 4 other members appointed by the President. एक chairman, 4 other members जो कि President appoint करेंगे. The qualification of member and the manner of their selection is determined by the Parliament. क्वालिफिकेशन और मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट डिसाइड करेगी. दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. द 4 मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग. 4 मेंबर्स जो हैं वो इन में से सिलेक्ट किए जाएंगे. हाई कोर्ट के जज हों और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज. अ पर्सन विद स्पेसिफाइड नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फाइनेंस और अकाउंट रिलेटेड मैटर्स में जिसको नॉलेज हो. अ पर्सन विद वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. फाइनेंशियल मैटर्स या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जा सकता है. अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है. अब इसके फंक्शंस क्या होंगे? फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. किस किस मैटर पे रिकमेंडेशन देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो अमंग डिफरेंट स्टेट्स. तो नेट टैक्सेस जो है वो सेंट्रल स्टेट में किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे या फिर स्टेट्स के अंदर ही किस तरीके से डिवीजन की जाएगी, एलोकेट किए जाएंगे. द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स. स्टेट्स को ग्रांट इन एड देने के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करे जाने चाहिए? मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज. तो मेजर्स बताएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मैनेज करने के लिए लोकल बॉडीज के लिए. एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई मैटर रेफर करेंगे उसके बारे में. अब इनका रोल क्या है? द कमीशन सबमिट्स द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु लेज इट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. कमेटी एक रिपोर्ट देगी प्रेसिडेंट को जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उस रिपोर्ट को रखेंगे. द रिकमेंडेशंस मेड बाय द एफसी आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. ये जो रिकमेंडेशंस देंगे ये एडवाइजरी होंगी, ये बाइंडिंग नहीं होंगी सरकार के ऊपर. फाइनेंस कमीशन इज इन्वेस्टिगेट विद बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म
इन द इंडिया। तो ये हमारा एक वैसा पहिया है जो हमारा फिस्कल बैलेंस बना के रखता है। अब आइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी प्रोविजंस दी गई हैं। ही इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो कंपनी का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि वो इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। इनकी ड्यूटीज क्या होंगी? टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर रेफर करेंगे तो उसके ऊपर कानूनी सलाह देना सरकार। टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट इन ऑल द केसेस कंसर्निंग द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बतौर वकील अपेयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। To appear in High Court in the cases concerning Government of India when required. High Court में appear होना Government of India का वकील बनकर। Rights of Attorney General. Attorney General has the right to audience in all the courts in the territory of India. किसी भी court में बतौर audience बैठ सकते हैं। He has the right to speak and take part in the parliamentary proceedings. पर इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा पार्लियामेंट की सेटिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में ये हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर राइट टू वोट नहीं होगा। ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर ग्रांटेड टू द एजी। तो एजी साहब के पास पार्लियामेंट के मिनिस्टर के बराबर या पार्लियामेंट के मेंबर के बराबर जो इम्यूनिटी है वो रहेंगे। अब आ गया हमारा कैक ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाएगा कैग। कैग इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स जो है जिसमें हमारे पूरा पैसा है, पब्लिक पर्स उसको कहते हैं जिसमें देश का पूरा पैसा है, तो ये उसकी सुरक्षा करते हैं। अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन एंड द यूपीएससी द ऑफिस ऑफ कैग इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द बुलवॉक्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये एक पहिया है। आर्टिकल 148 इसके बारे में डील करता है। कैग का ऑफिस जो है ये पब्लिक पर्स का गार्डियन है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, यूपीएससी के साथ साथ कैग हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पहिया है। अब आ जाइए अपॉइंटमेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैग को अपॉइंट करेंगे अंडर अ वारंट अंडर हिज हैंड। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years अप टू द एज ऑफ 65 years व्हिच एवर इज अर्लियर। या तो 65 years के हो जाएं या फिर 6 साल इनके अपॉइंटमेंट के हो जाएं, तब तक ये अपना ऑफिस जो है होल्ड करेंगे। कैग कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको अपने ऑफिस से निकाला जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है। This was the appointment. I think I have skipped this slide for you. You can just look at the provisions. Appointment जो होगी वो President of India करेंगे under warrant अपने signature और seal के साथ। ये जो office hold करेंगे 6 साल तक करेंगे until the age of 65 years, और इनको रिमूव करा जा सकता है सिमिलरली टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ इंडिपेंडेंस। कैग इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इंडिपेंडेंट ऑफिस। हिज राइट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग फॉर डिसएडवांटेज। अब भैया गवर्नमेंट को दुश्मनी जाग गई इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के साथ इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया या गवर्नमेंट की चुस्त चलाकियां पकड़ ली, तो भैया इन गवर्नमेंट रिवेंज लेने के लिए इनके सैलरीज अलाउंसेस टर्म्स को ड्यूरिंग द ऑफिस ऑल्टर नहीं कर सकती ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। एक बार ये अपॉइंट हो गए, बिटवीन द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट उसको इनके डिसएडवांटेज के लिए कम नहीं कर सकते। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द
office of CAG are charged to the Consolidated Fund of India. His salary is equal to the judge of Supreme Court. तो सारा खर्चा Consolidated Fund of India से चार्ज होगा, सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर मिलेगी. ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड यूटीज आर ऑडिटेड बाय द CAG. CAG हमारे ऑडिटर है, ये सरकार के सीए हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, डोंट यूज दीज वर्ड्स इन राइटिंग योर आंसर. फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये सरकार के सीए हैं, ये सरकार के मुनीम हैं, तो ताकि आपको समझ आ सके कि इनका काम सरकार के लिए है क्या. द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटीज आर असर्टेंड एंड सर्टिफाइड बाय द CAG. CAG एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो हमारे लिए ये सारे पॉइंट्स आसान बने. All the receipts and the expenditure of bodies financed from the central or state resources are also audited by the CAG. CAG audit करेगा उन सारी bodies के accounts जो कि state या center के खजाने में से पैसा ले रहे हैं. The audits of any other body, as and when required by the president or governor, are audited by the CAG. President बोल दें या governor बोल दें कि भैया इसके खाते आप audit कीजिए, तो वो भी CAG ही करेंगे. Three reports are submitted by CAG to the president. Audit report on appropriation account, audit report on finance account and audit report on public undertakings. अब आ गया रोल ऑफ CAG. The office of CAG secures the accountability of the execution of the executive to the parliament in the sphere of the financial administration. CAG ये देखते हैं कि भैया जो तुम खर्चा कर रहे हो, जो रिसिप्ट कर रहे हो, क्या वो सही है, उसको ऑडिट करते हैं, उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं. द CAG acts as an agent of the parliament and is responsible only to the parliament. ये सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि ये बतौर एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट काम कर रहे हैं. अलॉन्ग विद द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट्स, CAG ऑल्सो कंडक्ट्स प्रोप्राइटरी ऑडिट्स. अब बात आती है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की. आर्टिकल 165 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ही इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राइट? एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर. स्टेट का केस आ गया तो भैया गवर्नर आ गए. A person qualified to be appointed as the judge of High Court, उस केस में सुप्रीम कोर्ट था, इसमें हाई कोर्ट. ड्यूटीज और राइट्स क्या है? टू एडवाइज द गवर्नमेंट सारे लीगल मैटर्स पे, टू डिस्चार्ज दोज फंक्शंस कॉन्फर्ड अपॉन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट. पर वोट का राइट इनके पास नहीं रहे. State Finance Commission, the Governor of the state shall after every 5 years constitute a Finance Commission. Article 243 I से लेके 243 Y तक deal with the formation of this body. The composition qualification जो होंगी वो decide करेंगे state legislature. The distribution of the net proceeds of taxes, tolls and fees between the states and local bodies. We decide carrying a determination of such taxes, duties and tolls to be assigned by the local bodies. The grants and aid to be given to the local bodies, states ke consolidated fund mein se. Measures to be taken for improving the financial position of the local bodies ki financial position ko behtar banane ke liye. Any other matter referred to the commission by the governor of the state. To wo bhi ye dekhenge. अब इंटरस्टेट काउंसिल जो है, आर्टिकल 263 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एज वेल एज अमंग द स्टेट्स. तो इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई सेंटर और स्टेट का आपस में तालमेल बनाने के लिए और स्टेट्स का आपस में तालमेल बना रहे इसलिए. द प्रेसिडेंट एस्टैब्लिशेस सच काउंसिल एंड ऑल्सो डिफाइंस इट्स ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन.
तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट सब कुछ ये डिसाइड करेंगे। इट्स डिसीजन इज एडवाइजरी इन नेचर एंड इज नॉट बाइंडिंग। इनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी इन नेचर है। इनका कंपोजिशन क्या होगा? द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के और यूटीज के लिए हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इसके मेंबर्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटीज विद नो लेजिस्लेटिव असेंबलीज। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स अंडर द प्रेजिडेंट रूल, ठीक। सिक्स सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। सिक्स मिनिस्टर जो हैं वो पीएम, सिक्स मेंबर जो हैं वो पीएम नॉमिनेट करेंगे। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग कमेटी सेटअप इन 1996 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। इट्स मेंबर आर यूनियन होम मिनिस्टर इन एज चेयरमैन, फाइव यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नाइन चीफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली ये स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई और उसके मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट ने, पीएम ने अपॉइंट करे। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने मेजर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके बारे में डिस्कस करा कि भैया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज बनाई गई, इनका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, एक पहले से सेटअप कर दिया गया और जिस सेटअप की टाइम के आने के टाइम पे जरूरत पड़ी उसको हमने तब तब एस्टेब्लिश कर दिया। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इन बॉडीज का बनाने का मतलब ये है कि ये बॉडीज किसी लॉ द्वारा नहीं बनाई गई। स्टेचुटरी बॉडीज वो वाली बॉडीज होती हैं जो कि किसी लॉ के आने के बाद बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल योर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट द स्टेट लेवल, एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीन कमीशन बना दी, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये एक बॉडी बनाई गई स्टेच्यूट के जरिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए। तो ये इसको हम नाम देंगे स्टेचुटरी बॉडी, क्योंकि ये स्टेच्यूट से आई, एक लॉ से आई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो वाली बॉडीज हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी क्लॉज में उसका जिक्र आ गया कि भैया ये बॉडी बनाई जाएगी और उसका काम ये होगा, उसका फंक्शन ये होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी ऐसी बॉडीज हैं जिसके लिए डिटेल्ड प्रोविजन नहीं दिया गया, पर यह दिया गया कि भैया ये बॉडी बनाई जाएगी और प्रेजिडेंट ये काम करेंगे, बाकी का काम जो है वो प्रेजिडेंट करेंगे, एलेबोरेट प्रोसीजर जो है वो प्रेजिडेंट को पास दे दी। अब क्वेश्चंस की बात करूं तो इनमें से मेंस के लिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको किसी भी एक बॉडी के पार्ट्स, फंक्शंस, अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो आपको उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा। फॉर एग्जांपल डिस्कस इन डिटेल द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी अपॉइंटेड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी अपॉइंटेड एंड द पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द करंट सिनेरियो इन रिलेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ वे फॉरवर्ड। या फिर पूछ लिया जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों लिख के, पार्ट्स को लिख के उसको एनालाइज करना होगा और एंड में कंक्लूड करना होगा अपने आंसर को कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड हाउ इट कैन वर्क। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन से तो पूछे जा सकते हैं। प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते, क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, घुमा फिरा के बहुत कुछ नहीं पूछा जा सकता यहां से, बिकॉज सिंपल सिंपल क्रिस्प और क्लियर टॉपिक है। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द एज फॉर द रिटायरमेंट, और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 61, 62, 64, 65, तो आपको वो एज लिमिट हर एक के लिए ध्यान में रखनी होगी। या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि नंबर्स क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर या फिर किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में कि इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, 3, 4 और नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको हर एक बॉडी के बारे में उसको
ध्यान में रखना होगा कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करे हैं और कहाँ डिफाइन नहीं करे हैं और एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ क्या है। सो आई होप कि जितना भी हमने पढ़ा वी आर क्लियर। अगले लेक्चर में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे।